भारत को ब्रिटिश रूल से आजाद कराने में सैकड़ों मुस्लिमों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जिनमें एक नाम महमूद हसन देवबंदी है। ये वही महमूद हसन देवबंदी है जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। महमूद हसन देवबंदी ने रेस में रुमाल आंदोलन की नींव रखी। इस आंदोलन का मकसद अंग्रेजों को हिंदुस्तान से सफाया करना था, जो एक सीक्रेट तरीके से हो रहा था, जिसके तहत तुर्की, अफगानिस्तान और रशिया जैसे देश महमूद हसन के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ कारणों की वजह से यह मूवमेंट लीक हो गया। जब अंग्रेजों ने रेशमी रुमाल पर वो संदेश पढ़े तो अंग्रेजों को पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आंदोलन ब्रिटिश रूल का खात्मा कर देता। सन 1916 में सैकुल हिंद महमूद हसन देवबंदी को गिरफ्तार कर उसे माल्टा की जेल में बंद कर दिया गया। अगर यह आंदोलन सफल हो जाता तो 40 साल पहले ही हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो जाता।